नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। पिछली वीडियो में मैं 2011 के बाल विकास के प्रश्नों को हल की थी और आज की इस वीडियो में मैं 2011 के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करूंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना। तीसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और चौथा है चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ये चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति शिक्षक को नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा है अंकुरित बीजों को की फोटो दिखाना। तीसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। पहला है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा है स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा है एनीमिया और रतौंधी और चौथा है मोटापा और एनीमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, मोटापा और एनीमिया, क्योंकि समोसे एवं ककलेट में मौजूद वसा के कारण मीरा को मोटापा होने की संभावना है और दिव्या को लौह तत्व की कमी से एनीमिया होने का खतरा हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, पहला ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, दूसरा एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, और तीसरा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, और चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अध्यापक बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से अवगत कराना चाहता है, तो इसके लिए उन्हें बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, दूसरा है समय दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, और चौथा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं के उपयोग की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो देखें क्या है, स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। मानचित्र किसी शिलाकृति का प्रतिरूप होते हैं जिस पर उस शिलाकृति से के स्थान दूरी एवं दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व तो देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने की को बढ़ावा देना, दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, तीसरा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और चौथा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने की को बढ़ावा देने से। ऐसा इसलिए है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय से बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होते रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। और तीसरा है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हो जाते हैं। और चौथा है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होते रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। और 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन एक है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा है, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और चौथा है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। और 69 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला बगुला क्वेश्चन नंबर एक है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दूसरा है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तीसरा है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है। और चौथा है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। इसका आंसर है ऑप्शन एक, भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस एवं बगुला के बीच सहोपकारिता का संबंध होता है। भैंस की पीठ पर वह बगुला को परजीवी कीट खाने को मिल जाता है और भैंस की भी परजीवियों से रक्षा हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन एक है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दो है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। और तीसरा है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और चौथा है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन दो, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शित रेलवे टिकट का नमूना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन एक है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन दो है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीन है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। और चौथा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। इसका आंसर है ऑप्शन दो, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और 72 नंबर क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है, दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। और चौथा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन
किए जा सकते हैं। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। और तीसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। और चौथा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है ऑप्शन एक है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तीसरा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, उनकी लकड़ी या गोबर के उपलों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उसे निकलने वाला जो काला धुआं होता है श्वास की नली में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज खांसी होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन एक है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और चौथा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहला है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों के साथ उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। और चौथा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं रहेंगी कि वे चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, उसका अवलोकन करें और टिप्पणियां एक कागज़ में दर्ज करें। इसके साथ साथ अपने साथी छात्रों एवं शिक्षकों के साथ अवलोकन संबंधी बातों पर चर्चा भी करें। 77 नंबर क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग रखती है। एक में रखती है केले का छिलका, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियाँ और अखबार, और दूसरे में रखती है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक और खिलौने। तो रीना की 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। पहला है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा है। दूसरा है दुर्गंध रहित है। तीसरा है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। और चौथा है पुनःचक्रण किया जा सकता है, पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। फलों एवं सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एवं अखबार अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि शीशे की बोतलें, प्लास्टिक इत्यादि अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ऑप्शन एक
है एक के बनर्जी, दो है सुंदरलाल बहुगुणा, तीन है अमृता देवी बिश्नोई और चौथा है मेघा पाटकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपकू आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है और सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑप्शन एक है हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, दूसरा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं और चौथा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा चिकना और साफ बनाने के लिए और चौथा खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को चिकना बनाने के लिए उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, किस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, वह कहलाती है पहला है फसल की कटाई, दूसरा है हस्तचयन, तीसरा है थ्रेशिंग और चौथा है निष्पावन। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, थ्रेशिंग। किसान दानों को भूसे से थ्रेशिंग इसका आंसर नहीं होगा, निष्पावन होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहला है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना एवं इन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, और दूसरा है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, और तीसरा है बच्चों में अवलोकनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, चौथा है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना एवं इस भ्रम का आनंद उठाने देना नहीं है। इसमें क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है तथा ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, पहला है 25%, दूसरा है 75%, तीसरा है 50% और चौथा है 100%। इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, 50%। ऐसी स्थिति में पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना 50% रहेगी। अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है, पहला है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, दूसरा है एक समान गति से चलने वाला तारा, तीसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है और चौथा एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। इसका सही आंसर है 84 नंबर का ऑप्शन एक, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, यह टूटता हुआ तारा उल्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वथन यानी उबालना और बाष्पीकरण में अंतर, पहला है क्वथन में द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, दूसरा है क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, तीसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, चौथा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन
4. बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं. क्वथन और बाष्पीकरण में यह अंतर है कि बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन के साथ ऐसा नहीं है. अब 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए. पहला है अर्धवार्षिक और वर्ष में के अंत में वार्षिक परीक्षा. दूसरा है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य. और तीसरा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना. और चौथा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएँ और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना. इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना. शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए. 87 नंबर क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऑप्शन 1 है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है. दूसरा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है. तीसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है. चौथा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है. इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है. कि नींबू साधारण पानी में डूब जाती है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है. 88 नंबर क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि पहला है कम तापमान पर भोजन का नमी घट जाता है. दूसरा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं. तीसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं. और चौथा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे. दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी. तीसरा है रक्त के क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं. और चौथा है रक्त में मच्छर के लार्वे. इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम. लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है. 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कहानी कथन का प्रयोग करना. पहला है बच्चों के विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है. दूसरा है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है. तीसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है. चौथा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता विकास करने में मदद करता है. इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, स्थानीय स्तर पर विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है. इसके साथ ही पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न समाप्त हुआ. और आगे के वीडियोज में मैं हिंदी के प्रश्नों को हल करूंगी. इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें. धन्यवाद.